हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेरिकोस वेन के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आप हमें वेरिकोस की ट्रीटमेंट बताइए, कुछ ऐसा इलाज बताइए जो कि हम घर पे कर सकते हैं और वेरिकोस वेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि वेरिकोस वेन क्या होता है, किस तरीके से होता है और इनका हमें सॉल्यूशन किस तरीके से लाना है। दोस्तों, वेरिकोज वेन यानी कि हमारे जो पैर की नसें होती है वह फूल के बड़ी हो जाती है, वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, इसीलिए वह हमें ब्लूइश कलर की दिखने लगती है और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद वहाँ पर अल्सर हो जाता है और वह नस टूट जाती है और वहाँ से ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। इतनी अल्टीमेट लेवल पे यह जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत में आपको पता चले कि आपको वेरिकोस वेन हुआ है तो इनका इलाज करना जरूरी है ताकि शुरुआत में यह रुक जाए। दोस्तों, वेन्स क्या काम करती है, जो भी वहाँ पर ब्लड आता है उनको वापस दबा के ऊपर हार्ट की डायरेक्शन में भेज देती है। पर लंबे समय पर अगर वहाँ पर ब्लड पड़ा रहता है तो वह जो वेन्स होती है वह फूलने लगती है, उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है वह कम हो जाती है, उनका लचीलापन चला जाती है, इसलिए फिर वह वापस ब्लड को हार्ट की डायरेक्शन में भेज नहीं पाती है, वहाँ पर ही ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें नसें ब्लूइश कलर इसकी कलर की दिखने लगती है। तो दोस्तों, इनका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि लंबे समय के लिए अगर हम खड़े रहने का हमारा एक्टिविटी होता है तो इनकी वजह से ब्लड जो नीचे जाता है वह वापस ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ब्लड वहाँ पर ही जमा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज़ को खास करके वेरिकोस वेन होता है क्योंकि उनको लंबे समय के लिए कुकिंग के लिए या तो घर के कामकाज के लिए खड़े रहना पड़ता है, इसलिए उनको खास करके होता है। फिर ट्रैफिक पुलिस को लंबे समय के लिए खड़े रहना होता है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को भी यह डिसीज़ खास करके होता है। प्रेगनेंसी के दरमियान वेरिकोस वेन कॉमन प्रॉब्लम होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान जो फीटस होता है, यूट्रस में जो फीटस होता है, उनका हमारे जो वेन होती है, आर्टरी होती है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, इसकी वजह से जो ब्लड ऊपर आना चाहिए वह इजीली आ नहीं पाता, इसलिए ब्लड पैर में जमा होना शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ की नसें फूल जाती है। तो दोस्तों, हमारे पैर के मसल अगर वीक है, हमारे जो काफ पीडिया के मसल वीक हो गए तो इनकी वजह से भी हमें वेरिकोस वेन होता है क्योंकि काफ मसल पंपिंग करके जो नसों पे प्रेशर डालता है और वहाँ का ब्लड ऊपर हार्ट की डायरेक्शन में भेज देता है, इसलिए अगर काफ के मसल आपके वीक हो गए तो इनकी वजह से भी आपको वेरिकोस वेन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम बताने वाला हूँ, वह बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप घर पे ही कर सकते हो और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यह सॉल्यूशन वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वह इस तरीके से करना है, आपने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से वॉल के सपोर्ट पे लगा देना है। फिर आपको 2 से 5 मिनट के लिए लेटे रहना है, इनसे ज़्यादा भी आप लेटे रह सकते हो। यह एक्सरसाइज आपको खास करके रात को आप जब भी कामकाज से फ्री होते हो उसी टाइम करना है क्योंकि पूरा दिन हम खड़े रहते हैं तो पूरा जो ब्लड होता है वह नीचे पैरों में जमा हो जाता है, इसीलिए रात को आते समय अगर आप यह एक्सरसाइज कर लेते हो तो जो भी ब्लड हमारे जो पैरों में जमा हुआ है वह वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, हार्ट की डायरेक्शन में आ जाता है, इसीलिए शाम को आते समय आपको यह एक्सरसाइज कर लेनी है। इसी तरीके से आपको लेटे रहना है, कोई और चीज़ नहीं करनी है। तो यह हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज वेरिकोस की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, वेरिकोस वेन के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है इनके लिए आपको इस तरीके से 3 पिलो रख देने एक दूसरे के ऊपर, फिर यह पिलो पे हमारे पैर रख देने हैं, पैर रखने के बाद आपको सो जाना है, इस तरीके से लेट जाना है। दोस्तों, यहाँ पर पिलो की हाइट हार्ट के लेवल से ऊपर होनी जरूरी है ताकि जो ब्लड जमा हुआ है वह हार्ट की डायरेक्शन में अच्छी तरीके से आ जाए। इस तरीके से पोजीशन लेने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से 100 से 200 बार अच्छी तरीके से हिलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से 100 से 200 बार आपको अपने पंजों को हिलाना है, अच्छी तरीके से काफ मसल को पंपिंग देना है ताकि जो भी पूरा दिन ब्लड जमा हुआ है वह ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। यह एक्सरसाइज भी अगर आप शाम के टाइम ऑफिस या तो कामकाज के आने के बाद करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा क्योंकि पूरा दिन जो भी ब्लड जमा हुआ है वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो यह हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज वेरिकोस वेन के लिए। दोस्तों, इनके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है वह है हील रेज, यानी अपने एड़ी को उठाना है। इस तरीके से आपको
20 बार करना है। दोस्तों यह एक्सरसाइज करने से हमारे काफ मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वहाँ पर अच्छी तरीके से पंपिंग होता है। काफ मसल को दूसरा हार्ट भी बोला जाता है क्योंकि यह ब्लड हमारे हार्ट के डायरेक्शन में वापस भेजता है। हमारा ओरिजिनल हार्ट पूरे शरीर में भेजता है पर जो काफ मसल है वह ब्लड को ऊपर की डायरेक्शन में भेजता है, इसलिए काफ मसल वेन को अच्छी तरीके से प्रेस करके वहाँ का ब्लड ऊपर भेज देता है, इसीलिए वेरिकोज वेन हमारा क्योर होने लगता है। दोस्तों इनके बाद की जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज हमारे पेट के मसल, हमारे थाई मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज है। हमने काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करके यहाँ का ब्लड को ऊपर ला दिया, अभी यहाँ जो ब्लड है उनको ऊपर लाने के लिए यह थाई मसल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इसलिए ब्लड यहाँ तक आ जाएगा, फिर यह ब्लड को फिर वापस ऊपर लाने के लिए हमारे पेट के मसल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ से फिर ब्लड को ऊपर लाना है, यहाँ से वापस ऊपर लाना है। तो इनके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हो, इस तरीके से आपको साइकिलिंग करना है, आगे की ओर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिपीटेशन कर सकते हो, फिर आप रिवर्स साइकिलिंग कर सकते हो। ये एक्सरसाइज करने से आपके थाई मसल भी स्ट्रांग हो गए, आपके पेट के मसल स्ट्रांग हो गए, तो यह एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरीके से करनी है। इनके बाद जो एक्सरसाइज करनी है वह है उत्थान पादासन, यानी कि अपने पैर को इस तरीके से उठाना है। शुरुआत में 20 बार आप उठाइए, फिर यह रिपीटेशन बढ़ा के आप 50 तक जा सकते हो, 50 बार ऐसे पैर उठा सकते हो, इनसे भी आपके थाई के मसल स्ट्रांग हो गए, पेट के मसल भी स्ट्रांग हो गए। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी पैर को उठा लेना है, ऐसे आपको शुरुआत में 20 बार फिर 50 टाइम्स करना है। इस तरीके से आपको साइड में लेट जाना है, साइड में लेटने के बाद भी ऐसे पैर को साइड पर से उठाना है, ऐसे भी आप शुरुआत में 20 बार करिए, फिर बढ़ा के बढ़ाते आप 50 तक जा सकते हो। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी पैर को उठा लेना है। दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट का पूरा प्रोग्राम जान लिया है। सभी एक्सरसाइज अगर आप नियमित करते हो तो आपके वेरिकोज वेन अगर शुरुआत के स्टेज में है तो इजीली हील होना शुरू हो जाती है, इजीली क्योर कर सकते हो घर पर ही। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको हमारी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।